साइबर सिटी गुरुग्राम में जहां एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, जहां गुरुग्राम की सिंगापुर से तुलना की जाती है, वहीं गुरुग्राम का हिस्सा ओल्ड गुरुग्राम आज तक विकास के लिए तरस रहा है। आज भी गुरुग्राम में ओल्ड गुरुग्राम और न्यू गुरुग्राम में जमीन आसमान का फर्क है, तो वहीं समाज सेवी संगठन अपनी समस्याएं नेताओं के समक्ष रखेंगे, जिसमें ओल्ड गुरुग्राम में 900 मीटर का मामला, ओल्ड गुरुग्राम में मेट्रो का निर्माण, खेड़की डोला टोल शिफ्ट, पार्ट टैक्सी मामला, द्वारका एक्सप्रेसवे का मुद्दा जैसी 18 समस्याएं हैं, जिन पर नेताओं द्वारा गहनता से विचार नहीं किया गया तो चुनाव में नोटा का बटन दबाया जाएगा। सर, जो मुख्य मांगे हैं वो मैंने आपको 18 पढ़ के बताई, क्या आपको लगता है कि कोई भी ऐसी मांग है जो ये गुड़गांव डिजर्व नहीं करता इनको? क्योंकि मैं दोबारा पढ़ूंगा तो फिर टाइम लगेगा। फिर भी मुख्य जो दो मेन चीजें जो वो बता दीजिए। सर, जो 900 एक लाख से ज्यादा लोग आपको पता है कि 900 मीटर के दायरे में रह रहे हैं, सरकारें आ ही रही हैं, जा रही हैं, लोगों के गर्दन जो है बिल्कुल उसके ऊपर तलवार लटकी हुई कि कब हमारा मकान टूटने पे आ जाएगा, हमारे को पानी नहीं मिल रहा, हमारे को बिजली नहीं मिल रही। ये जो 900 मीटर का सोल्यूशन जो है, पोल्यूशन जो है गुड़गांव में बढ़ता जा रहा है, सब हम लोगों को पता है कितनी प्रॉब्लम। इस 5,600 एकड़ की लगातार मीडिया हमारी मदद कर रहा है लेकिन इसका कोई सोल्यूशन हमारे को नहीं मिल रहा। रेलवे स्टेशन गुड़गांव जैसी जगह पे आज किस हालत में, वो नेशनल लेवल का होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो मीडिया बताए। जो पोर्ट टैक्सी है, नितिन गडकरी जी ने आज से 3 साल पहले बोला था कि मानेसर से दिल्ली चलाएंगे, तो पोर्ट टैक्सी अभी तक क्यों नहीं चली? उसका सोल्यूशन, उसकी डेडलाइन हमारे को मिलनी चाहिए। द्वारका एक्सप्रेसवे कब से है सर, अब तक हमारे को द्वारका एक्सप्रेसवे कब हमारे को मिलेगा ये हमें? एक्सप्रेसवे पे जो मशीन से सफाई होनी चाहिए वो मैनुअल क्यों हो रही है? क्योंकि मशीन के बिना तो उसका सोल्यूशन है ही नहीं। खेड़की डोला टोल जो है, कोई गुड़गांव का ऐसा बाशिंदा नहीं है जिसको इस प्रॉब्लम का नहीं पता हो कि वो शिफ्ट होना था, आज तक नहीं हुआ है। जो भवानी इंक्लेव के जो हमारे साथी हैं, जिनके मकान टूटने से 6 महीने पहले मिल जाने चाहिए थे, आज 5 महीने ऊपर हो चुके हैं, उनको मकान के नाम पे सिर्फ आश्वासन मिला हुआ है। जो एम्प्लॉयमेंट जो है उसके बारे में किसी भी नेता के पास कोई लेआउट नहीं है। जो ओल्ड गुड़गांव है उसके अंदर मेट्रो की सुविधा कब मिलेगी? ये जनसंख्या बढ़ती जा रही है, एक्सीडेंट मांगे हैं आप, इनको लेकर किन लोगों से मिल चुके हैं, क्या राजनीतिक दलों से आपकी मुलाकात हुई है इन मांगों को लेकर? सर, कैप्टन अजय यादव जी जिन्होंने लास्ट टाइम पे अखबार में भी डलवाया था कि भाई हम इसको 5,600 का वो करेंगे, वो उसके बाद आपने इंद्रजीत जी से मैं मिल लिया, उससे नरवीर जी से मैं मिल लिया, सीएम साहब से हम मिल लिए और सीएम विंडो पे हम जा चुके, मानव आयोग के पास हम जा चुके, तो कोई डीसी के पास हम जा चुके, और कोई ऐसा जो जगह बस्ती आप हमारे को बताओ कि हम कहाँ हैं। आप इतनी देर तो आप क्या करने वाले हैं? आपको ये तो जानकारी हो गई होगी, इनमें कितने मुकदमे कोर्ट में, मुकदमे इनमें कितनी बातें कोर्ट में चल रही है, इनमें जिसमें बातें गवर्नमेंट में चल रही है उसका जो सोल्यूशन है इसमें से, तो जो भी चीजें हैं कोर्ट का किसी में कोई लेना देना नहीं। राकेश, अब क्या करने वाले हैं इन चीजों को लेकर? आपने कहा था कि हम बहिष्कार करेंगे, अब क्या करने वाले हैं? अभी वोट डली नहीं है सर, 12 तारीख को वोट डलनी है। मैंने आपके माध्यम से अपील करी है कि मीडिया जो है इस खबर को ज्यादा से ज्यादा बड़े लेवल पे अगर छापेगी, तब जो अगर जो इसको दब जाएगी ये न्यूज, तो गुड़गांव और गुड़गांव के लोगों का कुछ भला नहीं होगा। मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है और आप लोगों ही जो है इस हमारे गुड़गांव को निजात दिला सकते हैं। नहीं, किस तरह से बहिष्कार करने की? सर, बहिष्कार करेंगे अगर जो किसी भी नेता ने सोल्यूशन नहीं दिया तो हम नोटा का खटका दबाएंगे। कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ इसमें? कोई परिवर्तन संघ में कितने लोग जुड़े हैं और क्या उन लोगों से अपील करना चाहेंगे जिनकी मांगे जो है? मेरे परिवर्तन संघ के अंदर सर 10,200 जो हम साथी हैं जो लगातार 15 सालों से सक्रिय हैं, हम सब लोग जो है इसकी आवाज उठाएंगे। नोटा का विचार कैसे आया आपके? नोटा के बारे में हमारा विचार इसलिए है क्योंकि अगर इससे पहले हमारे को सोल्यूशन नहीं मिले तो अब हमारे को लगता है कि नेता जो है वो हमारे को सोल्यूशन देने के मूड में नहीं है, या फिर उनको उनको वो इच्छा शक्ति ही नहीं है। तो अगर इच्छा शक्ति नहीं होगी तो फिर नोटा दबाना मजबूरी है। एक कट करना, क्या कहेंगे, कैसे नोटा विचार आया आपका? सर, नोटा जो है वो मैंने आपको बताया कि जब हमारे को कोई चीज़ नहीं पसंद आती तो सरकार ने हमारे को एक हथियार दिया हुआ है नोटा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जब लोगों ने वो हथियार इस्तेमाल करके और पार्टी को दिखाया कि आप किसी को भी टिकट दे के भेज दोगे वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे मुद्दे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो जब वहाँ के स्टेट के लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो मेरे गुड़गांव का आदमी क्यों नहीं? ठीक, ओके।